वेलकम बैक टू आकांक्षा क्लासेस तो हमने बात करी थी हमारे लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण वहां पर हमने देखा था प्रथम चरण और दूसरा जो चरण था वहां तक हमने बात की थी तो ले ले हम दूसरे चरण का फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे जो आपके फॉलोइंग जो चरण है उनपे तो सबसे पहले बात करते हैं दूसरा चरण दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था आपका 25 मार्च 1948 को और क्या नाम इसे दिया गया था इसे नाम दिया गया था पूर्वी राजस्थान कहा गया था और इस समय इसके जो आपके पीएम थे वो कौन था इस समय आपका पीएम था गोकुललाल एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो दूसरा चरण उसमें जो आपका था या प्रधानमंत्री थे वो कौन थे तो आपको याद रखना है कि उस समय जो दूसरे चरण में जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे गोकुललाल असावा तो अब हम बात करते कि कौन सी ऐसी रियासतें थी जो इस दूसरे चरण में आके शामिल हुई और एक ठिकाना भी था जो इसमें आके शामिल हुआ तो सबसे पहले बात करते हैं नौ रियासतों की और एक ठिकाना इसमें शामिल हुआ था तो इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों यहाँ पे बाबू झाड़ू की को प्रसाटो तो ये एक हमारे पास ट्रिक है तो यहाँ पे बाबू से आप याद क्या रख सकते हैं बा बु से बासवाड़ा बू दू से बूंदी झा से झालावाड़ डू से डूंगरपुर की से किशनगढ़ को से कोटा प्र से आपका प्रतापगढ़ शाह से शाहपुरा और ट से ये टॉक हो जाएगा तो ये तो आपकी नौ रियासतें थी जो एक आपके जो ठिकाना था जो शामिल हुआ था वो कहा हुआ था वो बांसवाड़ा में शामिल हुआ था जिसका नाम क्या था कुशलगढ़ जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में जो अगर आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो फर्स्ट देख सकते हैं वहां पर मैंने डिटेल में ब्रीफिंग कर रखी है कि कौन कौन से रियासतें और कौन कौन से ठिकाने उस समय शामिल हुए थे तीन ठिकाने थे दोस्तों हमारे पास तो ये जो दूसरा ठिकाना है हमारा कुशलगढ़ में कुशलगढ़ जो है बांसवाड़ा में शामिल हुआ था इस दूसरी रियासत में रियासत में जो कोटा थी उसको राजधानी बनाया गया और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसे राजधानी बनाया जाता है वहीं का राज प्रमुख होता है तो राजप्रमुख कौन थे यहाँ पर हमारे राजप्रमुख थे भीम सिंह फिर बात करते हैं कि इसका जो उद्घाटन करता था वो कौन था तो इसको जो उद्घाटन करता था दूसरे चरण का वो कौन थे हमारे एन बी गॉडगिल यानी प्रथम और द्वितीय दोनों ही चरणों में इन्होंने उद्घाटन किया था तो उद्घाटनकर्ता का अगर नाम आएगा तो आपको याद रखना है एनबी गॉड और अगर पूछा जाता है वैसे इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं पर फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि उपराज प्रमुख कौन थे तो आपको याद रखना है लक्ष्मण देव तो ये बातें थी आपके दूसरे चरण की अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे चरण पे होप यू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें वीडियोज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और uh, ऐसे और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में सो देखते हैं हम लोग हमारे तीसरे चरण को तो दोस्तों तीसरे चरण में जो ये तीसरा चरण हुआ था ये कब हुआ था ये हमारा हुआ था 18 अप्रैल 1948 को और इस समय क्या नाम दिया गया था इस समय से नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान ठीक है इस समय इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था और इस समय जो इसमें रियासत ऐड हुई थी सिर्फ एक रियासत उस समय ऐड हुई थी जिसका नाम क्या था उदयपुर था ठीक है ये तीसरा चरण था और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ये तीसरा चरण मतलब कुछ इस तरीके से तो इस समय क्या है उदयपुर रियासत जो थी वो एड हुई थी जिसे मेवाड़ नाम से सब लोग जानते थे यहाँ पर जो राजा महाराजा होते थे उनके नाम के आगे राणा या महाराणा लगता था ठीक है तो यहां के जो महाराजा मतलब राजा जो थे वो क्या नाम था उनका महाराणा भोपाल सिंह और यही जो थे वो क्या थे ये राजप्रमुख थे क्यों क्योंकि उदयपुर को क्या है राजधानी बनाया गया था और जिसको राजधानी बनाते हैं मैंने आपको पहले भी बनाया कि बताया है जो राज प्रमुख होता है वो वही का बनता है तो राजप्रमुख आपके हो गए भोपाल सिंह तो ये जो आपके भोपाल सिंह थे ये दोस्तों एकीकरण के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय अपाहिज थे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एकीकरण के समय ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एकमात्र अपाहिज था तीसरे चरण में पूछा जा सकता है या कौन से चरण में था ये पूछा जा सकता है या व्यक्ति का नाम पूछ सकता है तो ये आपको ध्यान में रखना है उसके बाद अगर बात करें कि जो आपका प्रधानमंत्री था वो उस समय कौन थे तो वो आपके जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके मानिक्यलाल वर्मा जी ठीक है तो मानिक्यलाल वर्मा जी को और क्या बोला जाता था इन्हें बोला जाता था मेवाड़ का गांधी बोला जाता था पंछीड़ा गीत जो था दोस्तों वो इन्होंने ही लिखा था मेवाड़ का जो वर्तमान शासक है ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखनी है कि इन्हें जो है नजरबंद कर दिया गया था और नजरबंद किया गया था इन्हें कुंबलगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया था तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माणिक्यलाल वर्मा को या फिर पूछ लेगा कि, कि किसे नजरबंद किया था तीसरे चरण में कुंबलगढ़ दुर्ग में इन्हें नजरबंद कर दिया गया था और कुंबलगढ़ दुर्ग आखिर था क्या वो मेवाड़ जो शासक थे उनकी शरणस्थली माना जाता था उनकी शरणस्थली थी जहां पर उन्हें ले जाके नजरबंद कर दिया गया था अब हम देखेंगे हमारे चौथे चरण को तो दोस्तों बात करते हैं हमारे चौथे चरण की चौथा चरण जो था वो कब हुआ था हमारा तीस मार्च 1949 को हुआ था इसे क्या नाम दिया गया था इसे नाम दिया गया था वृहद राजस्थान वृद्ध राजस्थान इसे नाम दिया गया था और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये हुआ वा था हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी इन्होंने ये क्या थे इसके उद्घाटन करता थे चौथे चरण के उद्घाटन करता कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे हीरा लाल शास्त्री जी थे और इसमें कौन-कौन सी रियासत तीसरी हुई थी हमारी जैसलमेर और चौथी हुई थी हमारी बीकानेर ठीक है तो ये चार रियासतें थी उस समय राजस्थानी जो राजधानी है वो किसे बनाया गया था जयपुर को राजधानी बनाया गया था किस तारीख को बनाया गया था तीस मार्च को इसीलिए दोस्तों तीस मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है सर्वप्रथम जयपुर को जो राजधानी बनाया 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 था 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 वो वो कब गया गया आपका 18 नवंबर 1727 को और किसके बनाया था उस समय ये कछवाहा वंश की राजधानी हुआ करती थी बट अभी जब ये चौथा चरण आपका चालू हुआ तो ये आपके चौथे चरण में जयपुर राजस्थानी जो राजधानी है उसे बनाया गया उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी सिफारिश पे इसे राजधानी बनाया गया था तो ये बनाया गया था श्री पी सत्यनारायण राव समिति पे श्री पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पे राजधानी के मुद्दे सुलझाने के लिए अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों राजधानी के जितने भी मुद्दे थे उनको सुलझाने की जो अध्यक्षता थी वो बी आर पटेल ने की थी राज प्रमुख कौन थे आपके आपके मानसिक जो थे वो आपके थे वो और महाप्रमुख थे आपके महाराणा भोपाल सिंह तो इसी के साथ आपका चौथा चरण एंड होता है चौथे चरण में आपने क्या क्या पढ़ा चौथा चरण आपका कब स्टार्ट हुआ था वृद्ध राजस्थान इसका नाम दिया गया था ये पीएम कौन था इसका यानी प्रधानमंत्री था हीरा शास्त्री जी थे आपकी अध्यक्षता या फिर बोल सकते उद्घाटन करता कौन थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन कौन सी रियासतें इसमें ऐड हुई थी चौथे चरण में चार रियासतें ऐड हुई थी आप ऐसे याद रख सकते हैं जयपुर जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर जिसमें से जयपुर को राजधानी बनाया गया था तीस मार्च को और इसीलिए तीस मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है ठीक है एकीकरण दोस्तों आपका एक नवम्बर को हुआ था तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा ठीक है राजप्रमुख कब राजधानी आपकी जयपुर बन गई तो राजप्रमुख भी वहीं का होगा तो राजप्रमुख कौन थे हमारे मानसिक सेकेंड थे जो कि आपके क्या है गायत्री राजमाता जो है हमारी उनके हस्बैंड थे ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पांचवें चरण में देखते हैं पांचवें चरण में कौन सी रियासत हमारी शामिल हुई और फिर हम बढ़ेंगे छठे और सातवें चरण पे बात करते दोस्तों हमारे पांचवे चरण की तो पांचवा चरण कब आपका हुआ था पांचवा चरण हुआ था आपके पंद्रह मई नाइनटीन को इसे क्या नाम दिया गया था इसे दिया गया था संयुक्त वृहद राजस्थान इसे बोला गया था ये थी आपकी एक प्लस चार रियासतें यानी पांच से आप ऐसे याद रख सकते हैं एक प्लस चार ठीक है यहाँ पे चार वही रियासतें थी जो आपके चौथे चरण में थी सिफारिश किसकी सिफारिश में हुआ था ये ये हुआ था हमारे शंकर देव राय समिति की सिफारिश पे पीएम के कौन थे इस समय इस समय हमारे पीएम थे जो मनोनित जो पीएम थे वो कौन थे मनोनित प्रधानमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री जी और जो आपके निर्वाचित थे वो कौन थे टीकाराम पालीवाल दोस्तों एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे पीएम जो मनोनित और निर्वाचित दोनों ही पदों पर सेम टाइम पर रहे थे वो कौन थे एकमात्र नाम क्या था उनका नाम था जय नारायण व्यास जो कि कहाँ के थे दोस्तों मत्स्य संघ को और इसमें कौन -कौन से थे? तो तो मिला लीजिए तो ये रियासतें इसमें शामिल थी फिर बात करते राजधानी हमारी जयपुर ही थी जयपुर कंटिन्यू हुई राजप्रमुख भी आपके कंटिन्यू हुए मानसिंह सेकंड अब बात करेंगे इसके छठे चरण की छठे चरण में कौन सी रियासत थी जो इसमें हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है हमारा गंगानगर श्री गंगानगर फिर आता है बीकानेर फिर जैसलमेर फिर बाड़मेर फिर जालोर आता है और फिर ये सिरोही छठे चरण में आप अगर काउंटिंग से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये जो छठा आपका यहाँ पे रियासत है वो यहाँ पर छठे चरण में ऐड हुई जिसका नाम क्या था सिरोही यानी सिरोही जो रियासत थी वो यहाँ छठे चरण में आपके ऐड हुई राजधानी वही हमारी जयपुर थी राजप्रमुख भी हमारे वही कंटिन्यू रहे जो हमारे पांचवें चरण में थे मानसिंह द्वितीय और जो हमारे पीएम थे वो भी हमारे कंटिन्यू रहे हीरा शास्त्री जी तो यहाँ पर नई बात क्या है कि सिरोही में जो हातल गाँव है वहां पर जन्मे थे गोकुल भाई भट्ट गोकुल भाई भट्ट जो जन्मे थे कहाँ जन्मे थे ये सिरोही के हाथलगांव में जन्मे थे ठीक है इन्हें क्या बोला जाता था ये उस समय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्हें राजस्थान का गांधी भी बोला जाता है तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राजस्थान का गांधी किसे बोला जाता है तो आपको याद रखना है राजस्थान का गांधी जो है ये गोकुल भाई भट्ट को बोला जाता है तो ये थी हमारे छठे चरण की कुछ बातें अब हम बात करेंगे सातवें चरण की यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो आपका आबू और जो दिलवाड़ा है आबू और दिलवाड़ा ये आपके छठे चरण में ऐड नहीं हुए थे ये आपके सातवें चरण में ऐड हुए थे तो देखते हैं हम सातवें चरण को दोस्तों बात करते हैं सातवें चरण की तो जो हमारा सातवा चरण था वो हमारा अंतिम चरण था जो कि कब हुआ था ये हुआ था हमारा एक नवंबर 1956 को तो ये हमारा राजस्थान का जो एकीकरण था वो यहाँ पर आकर पूरा हो गया था तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब हुआ था एक नवंबर 1956 को इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है इस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों एक नवंबर 1956 को बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पर हमारी जो 26 जनवरी थी राजस्थान को विधिवत रूप से हमारे राजस्थान नाम दिया गया था तो यहाँ पर सातवें चरण में जो राजस्थान ये जो नाम था नामकरण जो था ये हमारे राजस्थान हो गया था संघ का नाम राजस्थान हो गया था आबू और जो दिलवाड़ा है दो रियासतें इसमें ऐड हो गई थी यहां पर दोस्तों में, वो कहां शामिल हो थी? वो इस रियासत के, के समय झालावाड़ में, जो में, था, वो में, यानी प्रदेश में जाके शामिल हो गया था और वहीं का एक सुनील टप्पा जो एमपी का था वो आके यहाँ कहा मिल गया था राजस्थान में आके मिल गया था तो इसको आपको याद रखना है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनील टप्पा जो है ऐसे कौन सा जो शहर है ऐसी कौन सी जगह है जो आपके राजस्थान में आके शामिल हुई थी मध्य प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है या जो कौन सी जगह है वो शामिल हुई थी तो ये या आपको याद रखना है अजमेर मेड़वाड़ा जो रियासत थी ये भी इस समय आपके

जो राज प्रमुख का जो था, इसे वहां आके समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल के पद को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और आज तक वो कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है तो राज्यपाल कौन बने थे हमारे उस समय डॉक्टर गुरुमुख निहाल सिंह जो थे उन्हें राज्यपाल बनाया गया था और जो सीएम थे उस समय हमारे जो सीएम थे वो कौन थे मोहनलाल सुखाड़िया तो इस नाम को भी आपको यहाँ पे याद रखना है तो उस समय जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था चरण हुआ था तो उस समय पच्चीस ही जिले थे उसके बाद क्या है बाकी के जितने भी रेस्पेक्टिव फॉलोइंग जिले थे वो वो हुए तो जिला जो आपका सबसे पहले हुआ था था कौन सा अजमेर तो एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि छब्बीसवां जिला जो राजस्थान के एकीकरण के समय जुड़ा था वो कौन सा था आपको याद रखना है अजमेर था फिर आपके धौलपुर एड हुआ था ठीक है डेट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा मैंने एक डेट ऐसे तो चेक ही करिए बट फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये पंद्रह अप्रैल 1982 में फिर आपके दौसा बारह और ये जो आपके राजसंबंध है ये तीनों ही एक डेट पे ऐड हुए थे दस अप्रैल नाइनटीन को फिर आपका हनुमानगढ़ फिर करौली और फिर लास्ट में जो आपके लास्ट लास्ट राजस्थान में जो जो हुआ हुआ था जो नया नया अभी है प्रतापगढ़ वो कब हुआ था था ये आपके हो तो तो इसकी सिफारिश तो आ हुआस जनवरी दो हजार आठ को बट जो ये लागू हुआ था इसका कार्य जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था हमारा एक अप्रैल दो को तो इसी के साथ दोस्तों ये आपके सातों चरण थे जिसके अंदर हमने देखा कि राजस्थान किस तरीके से बना राजस्थान का एक करण कैसे हुआ अलग अलग रियासती ठिकाने थे किस तरीके से एकजुट होके मिले तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक और नए टॉपिक के साथ तो दोस्तों अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा सो देट आपको जो फर्दर नोटिफिकेशन है वीडियो के मिलते रहे तो ये जो आपके टॉपिक है ये आपके अभी जो कमिंग अपकमिंग एग्जाम्स है आपके हाई कोर्ट एलडीसी हो गया आपका आरएस मेंस जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एस आई जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे हो, सभी में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसे अच्छे से पढ़िएगा एक दो बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो मिलेंगे हम दोस्तों एक नए वीडियो के साथ थैंक यू